ओम शांति। आज 12 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः श्रीमत के महत्व को समझाते हैं और कहा, तुम बच्चों को श्रीमत मिली है पावन बनने की। जो बच्चे श्रीमत के अवज्ञा करते हैं वो अपने जीवन के अंदर प्रगति नहीं कर पाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर है, जो भूले करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। जब किसी को भी समझाते हैं तो उस बेहद के बाप की महिमा सबको सुनानी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वो है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। श्रीमत के आधार पर हम सभी बच्चे एक मत पर बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो पहली श्रीमत है, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी, हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। पहली श्रीमत जो बाबा की मिली, देही अभिमानी होकर बाप को याद करना, बाबा कहे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो उसका रिजल्ट है कि अपार खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवन, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से बाप का सामना करना माना बाबा का डिसरिगार्ड है। तो बाबा कहे, बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ
अहंकार में आ जाते हैं। कैसे सामना करते हैं कि बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। बाबा माताओं को कहते हैं तुम तो अनपढ़ी हो, इसलिए वो अहंकार आ नहीं सकता है, लेकिन अगर पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है, तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाने हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में अर्थात नरक या दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, ऋषि मुनि नहीं जानते। बाबा कहे कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है, वो गुरु लोक शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्र की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाए वो अच्छा, या वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने वाला वो अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। ये पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, ये पढ़ाई याद रहेगी लेकिन बाबा कहे घाटा बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे, अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में
एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए, सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता युग में। गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है? राम राज्य हो। तो बाबा कहे स्वर्ग तो होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नर्कवासी है, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नर्कवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। कैसे स्थापन हो रहा है? त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो, छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं, यह तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए, बाबा कहे हिम्मत दिखानी चाहिए ना।
पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाए और मरे, कोई से दिल लगाए और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाप कहते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं, मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़े है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल अब आया हूं सबको वापस ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहां रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर, बाबा कहे आसुरी मत पर चलकर दुनिया में बहुत किचड़ा कर दिया है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं? नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं, वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकता? अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूं, बाकी और क्या करूंगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, चमत्कार आदि दिखाने वाले, बाबा कहे रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना, वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है, वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो, सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है, सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो, इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया
स्थापन हो रही है। कितना सहज है, बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम बाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनाता हूं, तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण, बाबा कहे जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे, जब अपना कल्याण करे तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर, बाबा कहे 8-10 बुढ़िया को भेजो तो झट आ जाए, जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देख करके ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है वन रिलीजन, वन डीटी किंगडम, वन लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, रंज मना दुखी नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। बाबा ने यह भी बताया कैसे सामना करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं तो बाप का सामना करते हैं। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। आज का मुरली का मीठा वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं हो सकता, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा,
ओम शांति।